ये पूरी दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। बहुत से रहस्य हमने सुलझा लिए हैं, परंतु अभी भी ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। उन रहस्यों में से एक रहस्य है इस कुएं का, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दुनिया दर्शन में। वीडियो अंत तक जरूर देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अब आते हैं इस रहस्यमय कुएं पर। कहते हैं यह कुआं पाताल तक जाता है और इसमें से सारी रात चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रहती है, क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को कटवाकर इस कुएं में डलवा दिया था। और ऐसी मान्यता है इस कुएं में आज भी उनकी आत्माएं घूमती रहती है। इस कुएं को बनाने के लिए 25 रातें लगी थी और 325 मजदूरों ने मिलकर इस कुएं को बनाया था। और ऐसा कहा जाता है इस कुएं में सम्राट अशोक का खजाना छिपा हुआ है। वैसे तो बहुत सी रहस्यमय घटनाएं प्राचीन भारत में घटी है, परंतु इस कुएं का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। यह कुआं बिहार के पटना शहर में स्थित है और सवाल यह उठता है कि यह कुआं रात में ही क्यों बनवाया, और 325 और 25 का आंकड़ा, इसका आपस में क्या लेना देना है। रात में खोदने का कारण तो यह हो सकता है कि इसे गोपनीय रखा जाए, या इसमें कुछ सुरंग या ऐसी चीजें बनाई जाए जो कहीं दूसरी तरफ निकलती हो। कुछ लोगों का मानना है यहाँ कुएं के सामने हवन हुआ करते थे, जिसके कारण पाताल से कुछ शक्तियां आती थी जो सम्राट अशोक को शक्तियां देकर जाती थी, जिससे सम्राट अशोक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते थे। इस कुएं की खोज अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। अंग्रेजों का एक अफसर लॉरेंस वोडेल इस कुएं के पास टहलते टहलते पहुंच गया, तभी इसको रोने की आवाजें आने लगी। परंतु इसको लगा कि कोई इसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उस समय में अंग्रेजों के साथ कोई मजाक कर ले ऐसी किसकी मजाल थी। ऐसी किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों के साथ उस टाइम में मजाक कर ले। तो यह अपने घोड़े से नीचे उतरा और देखा कि यह आवाज तो कुएं में से आ रही थी। तब इस कुएं की खोज की गई और यह कुआं 109 फीट गहराई तक बताया गया, परंतु उस जमाने में 15 से 20 फीट की गहराई में पानी मिल जाता था, फिर भी 109 फीट खोदने की क्या जरूरत पड़ गई। इस बात ने उस अंग्रेज को अचंभे में डाल दिया और वो सोचने पर मजबूर हो गया। परंतु गांव के लोग कहते हैं कि यह कुआं 109 फीट से कहीं ज्यादा गहरा है और सीधा पाताल लोक में जाता है। एक बार एक विदेशी पर्यटक ने इस कुएं में कैमरा डालकर खोजने की कोशिश की कि इस कुएं में आखिर है क्या। उसने रस्सी के सहारे कैमरे को नीचे भेजा, परंतु कैमरा 109 फीट की गहराई में जाने के बाद में बंद हो गया। ये कैमरा 109 फीट से भी अधिक गहराई तक चला गया, लेकिन जब बाद में रस्सी खत्म हो गई तो इस कैमरे को वापस खींचा गया, और खींचने के बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि यह कैमरा 109 फीट की गहराई जाने के बाद में रहस्यमय तरीके से अपने आप बंद हो गया। परंतु 109 फीट से पहले अजीब सी खिड़कियां और आकृतियां इस कुएं में देखने को मिली। कैमरा बंद होने के कारणों से अंदाजा लगाया गया कि यह कुआं हो न हो पाताल लोक में ही जाता है। सम्राट अशोक का खजाना। इस कुएं का नाम अगम कुआ है। अगम का मतलब होता है पाताल, यानी कि जो कुआ पाताल में जाता है। कहा जाता है इस कुएं के अंदर भी कुएं बने हुए हैं, वो भी क्रमबद्ध तरीके से, और इस कुएं के अंतिम छोर पर सम्राट अशोक का खजाना छिपा हुआ है। ऊपर से लोगों को भ्रम में डालने के लिए यह कुआ है, परंतु इसमें से 7 रास्ते निकलते हैं जो 7 दिशाओं में भारत के 7 शहरों में जाते हैं। सम्राट अशोक भारत के किसी भी कोने से अपने खजाने की तरफ पहुंच सकता था। उस जमाने में ऐसी चीजें विकसित की गई कि तहखाने के ऊपर पानी और नीचे 7 रास्ते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में कितनी अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। एक ब्रिटिश लेखक ने
अपनी किताब में लिखा कि यह कुआ गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इस पर उसने यह तर्क दिया कि वो और उसका दोस्त बंगाल के गंगा सागर के पास टहल रहे थे, तभी उसके दोस्त की छड़ी इस सागर में गिर गई और उसके बाद में यह छड़ी इस कुएं में मिली। आज भी यह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी गई है ताकि इस कुएं के रहस्य को बताया जा सके। 99 भाइयों की आत्माएं चिल्लाती है इस कुएं में। कहा जाता है सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को काटकर इस कुएं में डलवा दिया था ताकि उसके राज्य में कोई रोड़ा ना बने। इस कुएं का पानी 3 बार रंग बदलता है और कभी भी खत्म नहीं होता, और इस कुएं में डकैतों का भी खजाना छिपा हुआ है। पहले के सेठ, डकैत या आम नागरिक अंग्रेजों के डर से अपना सारा का सारा धन इस कुएं में डाल देते थे। कहा जाता है जब लुटेरे गांव को लूटकर वापस जाते थे तो जाते समय वो अपना आधा हिस्सा इस कुएं में डाल देते थे। उनका मानना था कि इससे पाताल के देवता खुश होंगे और उनकी लूटपाट में और भी मदद करेंगे। और आज अगर इस कुएं को हम खोदकर देखें तो भले ही सम्राट अशोक का खजाना हम ना ढूंढ पाए, परंतु वैसे ही पड़ा हुआ अरबों खरबों का खजाना जो गांव के सेठ, डकैत या आम नागरिकों के द्वारा डाला गया था वो हमें देखने को जरूर मिल जाएगा। और इस कुएं की इतनी जानकारी देने के बदले प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दुनिया दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।